नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टर जी में। तो आज मैं आपको वर्ड्स ऑफ द डे के सेशन में आपको स्टॉप लॉस के बारे में बताऊंगा। स्टॉप लॉस मतलब आपने बहुत बार स्टॉक मार्केट में ये शब्द सुना होगा कि आप स्टॉप लॉस से काम कीजिए। तो एक्चुअली में ये स्टॉप लॉस होता क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले दिनों में ऐसे ही नॉलेजेबल शब्द आपको बहुत अच्छे से मिलता रहे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो फॉलो कीजिए इन्वेस्टर जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली में स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है। सो स्टॉप लॉस इज़ ए रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी यूज्ड इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग टू लिमिट पोटेंशियल लॉसेस ऑन अ स्पेसिफिक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। तो एक्चुअली में बेसिकली क्या है ये स्टॉप लॉस, बेसिकली एक स्ट्रेटजी है जहाँ पर हम जो भी कोई शेयर बाय करते हैं तो वहाँ पर अपना रिस्क मैनेज करने के लिए एक स्ट्रेटजी है। जहाँ पर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर आप स्टॉप लॉस से अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस के थ्रू आप अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं। और जो जो काफ़ी कभी कभार हम शेयर बाय कर लेते हैं और हम उस शेयर को बेचना भूल जाते हैं, या तो कुछ काम में बिजी पड़ गए, तो उस कभी कभी हमको बहुत हैवी लॉस हो जाता है। तो उस हैवी लॉस को निपटने के लिए स्टॉप लॉस लाया गया है। तो एक स्पेसिफिक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो होता है, अगर उसमें हमको एक हैवी ट्रेड लॉस से बचना है तो हम स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं। तो आइए समझते हैं कि इसके चार पॉइंट है। सेटअप, प्राइस टू सेल। अभी इसमें हम एक प्राइस सेट कर सकते हैं कि किस प्राइस पर ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। मतलब अगर आप कोई शेयर बाई कर रहे हैं मान लीजिए 50 रुपये में, और आपको 45 रुपये पर बेचना है। मान लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर ये 45 रुपये के नीचे आया तो इसमें और गिरावट आएगी। अब आप मार्केट में है कि नहीं, आप कोई काम में बिजी हैं, तो आपको ऐसा लगता है अगर 45 रुपये मार्केट आया तो अपने आप ये मेरा शेयर बिकना चाहिए। तो उसके लिए स्टॉप लॉस यूज़ होता है। उसके लिए आप कभी भी जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जैसे जिरोधा, एंजल, उस पर एक स्टॉप लॉस का ऑप्शन रहता है। तो वहाँ पर आप एक प्राइस सेट कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली होता है। अगर आपने एक बार प्राइस सेट कर लिया तो ये ऑटोमेटिकली सेट होता है, फिर आप उसको ओपन करें या ना करें। और ये काफ़ी कंफर्टेबल होता है। कंफर्टेबल इसके लिए होता है क्योंकि कभी कभार हम शेयर बाय कर लेते हैं और बाय करने के बाद हम किसी काम में बिजी हो जाते हैं। अब मान लीजिए उस दिन अचानक 10 रुपये की गिरावट आ जाए तो आपको काफ़ी हैवी लॉस होगा। तो इसके लिए अगर आपको लॉस ना हो तो आपको डेली बार बार देखना पड़ेगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए स्टॉप लॉस आप लगाएंगे तो आपको काफ़ी कंफर्टेबल ट्रेड मिलता है। अभी आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए आपने टाटा पावर का एक शेयर लिया, ठीक है, एक शेयर लिया कितने प्राइस पे, 320 पे। अब आपको ऐसा लगता है कि अगर इसका प्राइस 315 रुपये आ जाएगा, 315 रुपये, तो इसमें और गिरावट देखने को मिलेगी। तो यानी आपको जो 5 रुपये का नुकसान हुआ, या आपको 5 रुपये का नुकसान ही आपको सहना है, इससे ज़्यादा नहीं सहना है। तो आप क्या करेंगे, उस ट्रेडिंग ऐप पर अगर ओपन करेंगे, जब भी आप शेयर बाय करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है स्टॉप लॉस। तो उस पर आपको 315 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंशन करोगे तो आपका शेयर ऑटोमेटिकली 315 रुपये बाय हो जाएगा। और मान लीजिए तुरंत उसी दिन अगर शेयर का प्राइस गिर कर 315 रुपये आ जाता है तो वो शेयर ऑटोमेटिकली अपने आप सोल्ड हो जाएगा। तो ये था स्टॉप लॉस का मतलब। तो आई होप आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा होगा कि स्टॉप लॉस किसे कहते हैं।